रिकॉर्डिंग हो रही है ना, सबको दिख रहा है? यस मैम। ओके बेटा, तो लास्ट सेशन में जो भी हमने पढ़ा था वो कुछ याद है? मैं थोड़ा सा याद करवाते जाऊं। हमने एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, कि ग्लैंड पाए जाते हैं, डक्ट वाले, डक्टलेस वाले कौन कौन से हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में जो डिफरेंस है एक्चुअली वो क्लियर किया था। वो अब सबको क्लियर है अच्छे से कि हाइपोथैलेमस सिर्फ और सिर्फ रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन देता है। पोर्टल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है? यहाँ पे ब्लड आया, ठीक है, आर्टरी आई, इसने ऑक्सीजन दिया यहाँ पर हाइपोथैलेमस आर्टरी, और ऑक्सीजन दिया और इसको डायरेक्ट वेन बन के निकलना चाहिए था, डायरेक्ट वेन बन के निकलना चाहिए था, कैपिलरीज है फिर डायरेक्ट वेन बन के निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, पिट्यूटरी को, एंटेरियर पिट्यूटरी को ये हार्मोन भेजना है। जब भी कोई भी पोर्टल सिस्टम बनता है तो उसमें क्या होता है बेटा, क्या होता है नॉर्मल केस में, क्या होता है कि हार्ट से क्या जाता है, ऑक्सीजन किसके पास जाता है, ऑर्गेन के पास, ठीक है, ऑर्गेन के पास जाता है, ऑर्गेन के एक एक सेल के पास जाता है, फिर उसके बाद ऑर्गेन से जो CO2 वाला ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट के पास जाता है। तो ये आर्टरी लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये वेन लेकर के आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, कोई भी पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, ऑर्गेन डायरेक्ट हार्ट में लेकर के नहीं जाता है, बीच में एक और ऑर्गेन आ जाता है। पढ़े हो ना? Yes, पढ़े हो हेपेटिक वाले में। पहले मान लो इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन में जो भी फूड डाइजेशन, ठीक है, जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ, जो भी न्यूट्रिएंट आए, वो हम पहले क्या चाहते हैं, वो फूड कहाँ जाए, वो सारे न्यूट्रिएंट कहाँ जाए, लीवर के पास जाए, हाँ, हार्ट में जाने से पहले वो सारी चीजें लीवर के पास जाए, वहां जाके स्टोर हो जाए, तब जाकर के हार्ट के पास जाए। तो वैसे ही यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि कोई भी चीज जो बन रही है वो पहले एंटीरियर पिट्यूटरी के पास इधर पे जाए, स्टोर हो, फिर जाकर के बॉडी से बाहर निकले, फिर वो वेन बन के बॉडी से यहाँ से बाहर निकले और हार्ट में जाए वापस से, ठीक। रीजन क्या है यहाँ पर पोर्टल बनने का, समझ गए ना? जो भी हार्मोन यहाँ हाइपोथैलेमस में बना है, वो पहले कहाँ जाए, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाए, कुछ स्टोर हो और कुछ उसको क्या करे, वर्क करने में हेल्प करे, और फिर ये जाकर के वेन में कन्वर्ट हो। क्लियर हो गया ये बात? ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा निकल जाता है बेटा, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल जाता है तो उससे क्या होता है, अगर कम निकलेगा तो क्या होगा, ड्वार्फिज्म होगा। ग्रोथ हार्मोन अगर बचपन से ही ज्यादा निकल रहा है, ठीक है, बचपन से ही ज्यादा निकल रहा है तो वो क्या कहलाता है, गिगेंटिज्म। इसमें क्या है कि बोन्स बड़ी होती जा रही है, एकदम बिल्कुल लंबा इंसान होते जा रहा है। लेकिन अगर ये एडल्ट होने के बाद बढ़ रहा है ग्रोथ हार्मोन, फिर भी रिलीज हो रहा है तो क्या होगा, एक्रोमेगैली क्यों होगा, क्योंकि जो एपिफाइजल प्लेट है, एपिफाइजल प्लेट तो हमने क्या पढ़ा था कि एपिफाइजल प्लेट तो क्लोज हो जाती है, जैसे ही एक एज आता है तो एपिफाइजल प्लेट क्लोज हो जाती है कि भाई अब ग्रोथ नहीं होना है बोन्स का, अब ज्यादा लंबा नहीं होना है। लेकिन जैसे ही एडल्ट होने के बाद भी ग्रोथ हार्मोन अगर रिलीज हो रहा है तो यहां से तो बोन्स नहीं बढ़ेगा, इधर से तो बोन्स नहीं बढ़ेगा, लंबाई में नहीं बढ़ेगा, किधर से बढ़ेगा, इधर इधर आड़ा तिरछा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्रोमेगैली बोलते हैं। और एक्रोमेगैली में क्या, कैसा चेहरा दिखता है, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस, तो हाथ वगैरह कैसा लगने लगेगा, इधर से बढ़ने लगेगा, चेहरा इधर से साइड से निकलने लगेगा, इधर से देखे हो ना ऐसे कुछ, हाँ, तो उनका क्या होता है, एपिफाइजल प्लेट तो क्लोज हो गया, अब तो बोन्स नहीं बढ़ेंगी, तो बोन्स सर कटा हो, रियल लाइफ में जो है वो ऐसा लगता है मुझे, जैसे इसको एक्रोमेगैली हो गया है। अच्छा, होगा वैसा ही दिख रहा होगा। तो जैसे आपने ना एक हेरा फेरी मूवी में देखा, एक बहुत बड़ा सा आदमी ब्लैक कपड़ों में, जिसका जो है वो दरवाजे से बाहर दिखता है ना, वो हो गया एग्जाम्पल। फिर खली का एग्जाम्पल हो गया है ना, तो ये सब हो गया एग्जाम्पल सारे। बाकी हमने पीनियल ग्लैंड वगैरह भी सब कुछ पढ़ लिया था ना, मुझे लगा कि कहीं कुछ छूटा हो तो मैं फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज करा दूं।
तो बेटा पीनियल ग्लैंड के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था, अब दोबारा बताने की जरूरत है नहीं तुम लोगों को, सब कुछ याद रहेगा कि पीनियल ग्लैंड आपका पिगमेंटेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल सब कुछ देखता है ना। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो बच्चे फंसते हैं वो कहाँ फंसते हैं, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट वाला क्वेश्चन आता है कि कौन से दो हार्मोन हैं जिनका फंक्शन एंटागोनिस्ट टू ईच अदर है, मतलब अपोजिट टू ईच अदर है। तो बेटा इसी एनसीईआरटी में लास्ट में एंटागोनिस्ट वाला आप लिख लोगे, पांच ऐसे हार्मोन हैं आपको ढूंढना है, दिस इज योर होमवर्क। खुद से ढूंढोगे लिखोगे तो याद रहेगा एंटागोनिस्ट बिहेवियर किसका किसका है, पांच ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो कि एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। हम आगे देख लेते हैं, थायराइड के बारे में हमने पढ़ा था कि थायराइड में क्या होता है बेटा, ये बटरफ्लाई शेप की होती है और ये फॉलिकुलर होती है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम होता है, कौन सा होता है एपिथीलियम क्यूबॉइडल, एक ये ना बहुत पहले एक बार आया था इसलिए बता रही हूँ कि कौन सा एपिथीलियम होता है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम यहाँ पर होता है, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम होता है इसके फॉलिकल में, और फॉलिकल में बीच में गैप होता है, कैविटी होती है, और इसी कैविटी में क्या बनता है T4 and T3 बनता है। इसके अलावा छोटे छोटे और भी सेल होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्लियर सेल कहते हैं, क्लियर सेल बना है जो कि क्या रिलीज करते हैं, कैल्सिटोनिन रिलीज करते हैं। ओके, T4 को हम क्या बोलते हैं बेटा, टेट्रा है बेटा, फोर है तो टेट्रा को कहेंगे ना, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। और T3 को हम क्या कहेंगे, ट्राई आयोडो थायरोनिन, टेट्रा आयोडो थायरोनिन और ट्राई आयोडो थायरोनिन। तो नाम से तुमको समझ में आ रहा है ना कि इन दोनों को बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत है, आयोडीन की। अगर आयोडीन का डेफिशिएंसी होगा तो दोनों में दिक्कत आ जाएगी, तो आयोडीन हमको अच्छे मात्रा में खाना चाहिए, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आयोडीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये जो T4 T3 है, स्पेशली द T4 क्या बनाने में हेल्प करता है बेटा, साइनेप्स एंड डेंड्राइट्स बनाने में हेल्प करता है। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है बेटा, क्या पढ़ा था हमने, हाइपो में कमी हो जाती है, वेट गेन होता है, हाँ कम हो जाएगा ना, थायराइड कम हो जाएगा, थायराइड हार्मोन कम निकलने लगेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, वेट गेन होने लगेगा। और इसमें क्या होगा, गोइटर होगा कि नहीं होगा, कम होगा, गोइटर होगा, हाइपर वाले में गोइटर होगा, गोइटर दोनों में होता है, लेकिन इसमें है ना, हाइपर वाले में जो गोइटर होता है वो थोड़ा अलग ग्वाइटर होता है, उसमें हल्का सा दिखता है, लेकिन हाइपो वाले में ज्यादा ग्वाइटर, जो बड़ा जो देखने को मिलता है ना, एक आप देखे होंगे छोटे क्लास में डायग्राम अलग से लटका हुआ, वो हाइपो वाले में होता है बेटा, ठीक है। और क्या होता है कि हाइपर वाले में ग्वाइटर के साथ साथ और क्या होता है, बॉडी बिल्कुल थिन हो जाती है, मेमोरी लॉस होने लगता है, कुछ भी खाया पिया नहीं लगेगा, और क्या होती है, आंखें निकल जाती हैं, आंखें ना एकदम ऐसे प्रोट्यूडिंग आइज, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेव डिजीज। हाइपर वाले में हमको क्या याद रखना है कि ग्रेव गोइटर दोनों। एक और चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बताना भूल गई हूँ कि बेटा जब T4 and T3 अच्छे से निकल रहा है, तो TSH कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, TSH का नाम क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब बेटा ये ऑलरेडी अच्छा निकल रहा है तो TSH निकालने की जरूरत है, नो मैम, नहीं ना, स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको इसलिए ऐसे समझा रही हूँ कि बेटा रटना नहीं, ये इससे क्वेश्चन आता है कि जब T4 T3 बढ़ा हुआ है तो TSH की जरूरत नहीं है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसके पास जाएंगे ही नहीं कि भाई और निकालो, क्यों जाएंगे। और जब T4 T3 बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस में कौन सा हार्मोन निकल रहा था थायराइड से रिलेटेड, TSH तो एंटीरियर पिट्यूटरी का, बताओ TSH बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी का है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन,
स्टिमुलेटिंग का तो कोई रोल ही नहीं है ना हाइपोथैलेमस में. मैंने क्या बोला, हाइपोथैलेमस में या तो रिलीजिंग हार्मोन है या क्या है, इनहिबिटिंग हार्मोन. या रिलीजिंग नाम होगा या इनहिबिटिंग होगा, स्टिमुलेटिंग या इस तरह का कोई नाम है तो कहाँ होगा, एंटेरियर पिट्यूटरी के पास. ठीक है, देखो यहाँ है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है कि नहीं नाम, यस मैम, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किसके पास है, एंटेरियर पिट्यूटरी के पास. तो नेगेटिव फीडबैक ये इसको नहीं देगा, ये सीधे नेगेटिव फीडबैक इसको दे रहा है, टीएसएस तो ऑलरेडी कम आ रहा है ना. ये किसको दे रहा है कि भाई हाइपोथैलेमस को जाके दे रहा है कि अब तुम रिलीज मत करवाना प्लीज, अब तुम रिलीज मत करवाना, और एंटेरियर पिट्यूटरी को मत बोलना कि स्टिमुलेट कर दो. तो सीधे किसको मना कर रहा है, हाई कोर्ट में मना कर रहा है कि वहीं से काम खत्म करो. समझ गए, क्लियर हो गया ये सब. Yes, नहीं हुआ है तो बोलो, मैं फिर से बता दूं. मैम एक बार और बता दूं. हाँ एक बार और बता दूं, खाली पेज है. हाँ देखो, T4 and T3, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन, यही दोनों क्या, कहाँ से रिलीज होते हैं, थायराइड ग्लैंड से. ठीक है, थायराइड ग्लैंड से ये दोनों रिलीज होते हैं. तो जब ये आराम से, मान लो रिलीज हो रहे हैं, आराम से रिलीज हो रहे हैं, तो सब कुछ बैलेंस से चल रहा है. लेकिन किसी को क्या हो गया, किसी को क्या हो गया, थायराइड हो गया, किसी को थायराइड हो गया, तो T4 and T3 बहुत ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, एक्सेस सिक्रेट हो रहा है. तो क्या होगा, TSH, जब आप उसका रिपोर्ट देखोगे बेटा, तो उसका TSH क्या आएगा, कम आएगा. क्योंकि भाई कॉमन सेंस वाली बात है कि फिर एंटीरियर पिट्यूटरी TSH को क्या करेगी, कम करेगी. ठीक है, कि निकालने की जरूरत नहीं है. और क्यों कम करेगी, क्योंकि जैसे ही ये एक्सेस में गया, इसने क्या किया, नेगेटिव फीडबैक दिया. किसको दिया, सीधे हाई कमांड को. ठीक है, कि हम बीच में जो पप्पा जी हैं उनसे बात नहीं करें, हम सीधे दादाजी से बात करेंगे कि भाई आप थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को कम कीजिए, स्टॉप कर दीजिए. कम क्या, बिल्कुल क्या कर दीजिए, स्टॉप कीजिए अभी उसको, स्विच ऑफ कर दीजिए. नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है, एकदम स्विच ऑफ कर देना, स्विच ऑफ कर दीजिए, ताकि ये कम जाएगा, ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कम जाएगा तो TSH कम हो जाएगा. क्योंकि यही एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है ना कि भाई निकालो हार्मोन. ठीक है, क्लियर हो गया ये. यस मैम, अब क्लियर हो गया ना. ठीक है, अब क्लियर है. यस मैम, यहाँ पे आपका ये है, ये एक्सेस में T4 T3 जा रहा है, तो ये सीधे किसको बोल रहा है, इसको, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को स्टॉप करो, तो ये जो है TSH को स्टॉप कर देगा, तो T3 T4 ज्यादा नहीं बनेगा, नहीं तो मर जाएगा भाई आदमी, इतना ज्यादा रिलीज होने लगे, TSH कम हो जाएगा ना. ठीक है, इसके बाद भावना समझ में आ रहा है ना. यस मैम, आ रही है. फिर थायराइड हार्मोन आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये सब हमने पढ़ लिया था. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमने क्या पढ़ा था बेटा, कि रेड ब्लड सेल को भी बनाने में ये हेल्प करा है, रेड ब्लड सेल को भी बनाने में हेल्प करता है. उसके बाद थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स में भी हेल्प करता है. मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. एंड थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रेट अ प्रोटीन हार्मोन, एक प्रोटीन हार्मोन ये रिलीज करता है, जिसको क्या बोलते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं. कहां से निकलता है ये, क्लियर सेल से, उसमें और छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसको हम क्लियर सेल्स कहते हैं, जो कि रेगुलेट करता है कैल्सियम लेवल को, रेगुलेट करता है. ठीक है, अब देखो थायरोकैल्सिटोनिन और जो पैराथायराइड हार्मोन से जो हार्मोन निकल रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं. ठीक है, कैसे हैं, अभी पैराथायराइड पढ़ोगे तो अपने समझ में आ जाएगा. पैराथायराइड ये 2021 का है, 2022 में, ठीक है, क्या क्वेश्चन आया था, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दे दिया गया था और थोड़ा सा घुमा फिरा दिया गया था, क्वेश्चन मैंने डाला है इसमें. इन ह्यूमन 4 पैराथायराइड ग्लैंड आर प्रेजेंट. ये थायराइड है, ये थायराइड है पूरा,
और उसमें चार पैराथायराइड हार्मोन प्रेजेंट है, सिर्फ इस तरह से चार पैराथायराइड हार्मोन प्रेजेंट है ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड मतलब कि बैक साइड बोले तो डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड में, ठीक है, डॉर्सल साइड में ये प्रेजेंट है। एंड द पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन, कौन सा हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन निकाल रहा है, दैट इज पैराथायराइड हार्मोन। पता है ये बार बार आपको क्यों बता रहा है कि प्रोटीन हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, ये स्टेरॉइड हार्मोन है। आगे चल के क्या है इसका बिल्कुल क्लासिफिकेशन है, कौन कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है, कौन कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन है, और हमको उसका मैकेनिज्म पढ़ना है कि ये कैसे काम करते हैं। इसीलिए हर जगह आपको बता रहा है कि ये पेप्टाइड हार्मोन है, ये स्टेरॉइड हार्मोन है। सो पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड द पैराथायराइड हार्मोन, ये कौन सा हार्मोन निकाल रहा है, PTH, पैराथायराइड हार्मोन। द सिक्रेशन ऑफ PTH इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ द कैल्शियम आयन। पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम आयन, ये क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है कैल्शियम का लेवल इन ब्लड, कैल्शियम का लेवल ब्लड में इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कैल्शियम इन ब्लड। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटागोनिस्ट हैं। ये कैल्शियम का लेवल अगर बढ़ाएगा तो वो क्या करेगा, घटाएगा, ठीक है। ये कैसे बढ़ा रहा है, कैसे बढ़ा रहा है, इससे क्वेश्चन आता है कि कैसे बढ़ा रहा है कैल्शियम का लेवल ब्लड में। तो कैल्शियम का लेवल कैसे बढ़ेगा, सबसे पहले जो कैल्शियम आपने खाया, ठीक है, कैल्शियम फ्रॉम फूड, फूड इज एब्जॉर्ब्ड, जो कैल्शियम आपने खाया है उसको ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाय द जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, समझते हो ना, ठीक है, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और उसके बाद क्या किया जाएगा, जो कैल्शियम बाहर जाना चाहिए यूरिन के थ्रू, उसको क्या कराया जाएगा, रीएब्जॉर्ब, कितना गंदा लिखाया जा रहा है बताओ ना, इसलिए लिखने का मन नहीं कर रहा है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाई किडनी, किडनी, ठीक है, ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करा देता है। एंड ये ना क्या कराता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ये करा देता है पोटेशियम, ठीक है, या सॉरी सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम कराता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा किडनी से, किडनी को क्या बोलता है, जो भी कैल्शियम जा रहा है ना बाहर उसको क्या कर लो, रीअब्जॉर्ब कर लो, ब्लड में वापस भेजो। और क्या करा रहा है, अगर मान लो तुम कैल्शियम खा ही नहीं रहे हो, ना तुम दूध पी रहे हो, ना तुम मखाने खा रहे हो, कुछ भी नहीं कैल्शियम का फूड ले रहे हो, तो क्या करेगा बताओ, क्या करेगा, बॉडी का शायद स्टोर को निकालने लगेगा, बॉडी में जो स्टोर्ड कैल्शियम है ना, मतलब जो बोन्स में, बॉडी में कहाँ है बेटा, बोन्स में, बोन्स में जो स्टोर्ड कैल्शियम है, स्टोर्ड कैल्शियम है, उसको क्या करेगा, ब्रेक करने लगेगा, उसको क्या करेगा, ब्रेक करने लगेगा, मतलब क्या करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट करेगा। आपने देखा होगा ना कि कभी कभी आपका नाखून टूटने लगता है अपने आप, देखिए हो कभी कभी नाखून, नाखून टूटने लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि नाखून बहुत पतला हो जाता है, नाखून टूटने लगता है, होता है ऐसा, है ना, या फिर बाल भी बहुत ज्यादा झड़ना, ये भी कैल्शियम की वजह से हो रहा है, मेरे झड़ता है ना, बाल झड़ रहा है, नाखून टूटने लग रहा है, तो समझ जाना कि कैल्शियम कम हो गया। या फिर सोए सोए पैर अकड़ जाता है, बताया मैंने कई बार तुम लोगों को, सोए हुए हो पैर मुड़ जाता है, एकदम पैर में बहुत तेज दर्द होता है, या चलते चलते बहुत ज्यादा पेन होना, पहले तुम बहुत ज्यादा वर्क कर लेते थे, अब ज्यादा दर्द हो रहा है, तो मतलब क्या है कि कैल्शियम कम हो रहा है। तो कैल्शियम ब्लड में कम होगा तो क्या होगा, ब्रेन में स्टिमुलस देने के लिए, हमने पढ़ा है ना कि कैल्शियम जो है साइनेप्स के, साइनेप्टिक वेसिकल के साथ जुड़ता है, और साइनेप्टिकल वेसिकल से जुड़ने के बाद क्या बनता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, पढ़ा है, और मसल्स के मूवमेंट के लिए भी कैल्शियम की जरूरत है, मस्कुलर मूवमेंट अच्छा नहीं होगा अगर कैल्शियम नहीं होगा तो भाई ब्लड में तो कैल्शियम चाहिए बॉडी को। तो ये क्या बोल रहा है कि तुमने नहीं खाया, तुम्हारी गलती, तुम कैल्शियम नहीं खा रहे हो तो तुम्हारी गलती, मुझे तो ब्लड में कैल्शियम चाहिए भाई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके बोन्स से ही कैल्शियम निकालने लगेगा, बोन्स में कैल्शियम स्टोर है, दांत,
दांत टूटने लगना, दांत वीक होना, ये सब कैल्शियम लो होने के वजह से होता है। तो आपने अगर कैल्शियम नहीं खाया सही मात्रा में तो ये क्या करेगा, आपके बोन्स से कैल्शियम को खींचने लगेगा। बोन्स से कैल्शियम खींचेगा तो क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो दूध पिया करो तुम लोग, ऐसे तो आजकल दूध नकली ही आता है, तो उसके जगह पे मखाना वगैरह कुछ भी जो भी है। आगे बढ़ जाएं, ये समझ में आ गया ये कैसे एब्जॉर्ब करता है बेटा, ठीक है, और क्यों एब्जॉर्ब करता है, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये, हाँ, ये तो सारा हमें हो रहा है। हाँ, ये चैप्टर जब हम पढ़ते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है ये सारी बीमारी हमारे अंदर है, पूरे जहां जहां आगे जितना बढ़ते जाओगे ना तुमको लगेगा ये भी बीमारी मेरे को, ये भी बीमारी मेरे को, ऐसा लगता है इसलिए, क्योंकि ये पूरा डेफिशिएंसी की बात करता है ना बेटा, और हम लोग तो फूड कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी तो होती है शरीर में। मैम मेरे को भी ना एक पैर लेग में ना काफी दर्द रहता है, तो डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने भी कैल्शियम की दवाइयां दी थी। हाँ, अगर मान लो मसल्स में पेन हो जा रहा है, थोड़ा सा लिख रहे हो मसल्स में पेन हो जा रहा है, या फिर सोए हुए हो और मतलब सिर्फ करवट लेने की वजह से मसल में पेन हो रहा है, मसल में ट्विचिंग आ रही है, या फिर आपके बोन्स में दर्द हो रहा है, तो वो कैल्शियम का है। और कैल्शियम का क्यों है कि समझ रहे हो ना कि किस तरह से बॉडी कितने खतरनाक तरीके से वर्क कर रही है कि आपके बोन्स का ही कैल्शियम उठा ले रही है, तो आपका दांत जाएगा, आपका जो हड्डी वगैरह है ना, हाँ, वहां से ले लेगा, हेयर के जो फॉलिकल है इधर जो कैल्शियम है वो ले लेगा, नेल्स में जो कैल्शियम है वो ले लेगा, तो सारा कैल्शियम बॉडी लेकर के उसके जो बॉडी में जो ब्लड में जो कैल्शियम लेवल होना चाहिए उसको मेंटेन करती है, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम लेवल घटने लगेगा, न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह में दिक्कत आएगी, सब चीज में दिक्कत आएगी, ठीक है। सो पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका। तो पैराथायराइड हार्मोन एक्ट्स ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, डिसॉल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन, जिसको हमने क्या बोला, ऑस्टियोक्लास्ट बोल दिया, ठीक है। पीटीएच ऑल्सो स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्सियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, कहाँ से करता है, रीनल, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स हम बोलेंगे, इंक्रीज कैल्सियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड, इट इज दस क्लियर द पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन इज ए हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन, ये किस तरह का हार्मोन है, हाइपर कैल्सेमिक, तो नाम से नहीं डरना, हाइपर मतलब ज्यादा, कैल्सियमिक मतलब कैल्सियम, ठीक है, तो ज्यादा कैल्सियम बनाता है ये, इट इंक्रीज द ब्लड कैल्सियम लेवल अलोंग विद टीसीटी, इट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्सियम बैलेंस इन द बॉडी, तो टीसीटी क्या करता है, कैल्सियम लेवल को कम करने का काम करता है बॉडी में, वो क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट नहीं करके ऑस्टियोब्लास्ट करवाता है, मतलब कि मान लो तुम बिल्कुल आज सुन लिए कि नेहा मैम ने बोला कि कैल्शियम खाने, अब तुम इतना कैल्शियम खा रहे हो, ठीक है, इसको हम यहाँ कवर कर लें, कैल्शियम का लेवल कैसे घटाना है, हाँ, लेवल इन ब्लड कौन घटा रहा है बेटा, कौन घटा रहा है, टीसीटी थायरोकैल्सीटोनिन, ये कैसे घटा रहा है, क्या क्या कर रहा है ये घटाने के लिए, सबसे पहले वही सेम चीज, ठीक है, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं करने दे रहा, सॉरी, कैल्शियम का फूड से एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का फूड से जो एब्जॉर्प्शन है उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है, स्टॉप कर रहा है, बोल रहा है भाई एब्जॉर्ब मत कराओ, इसको वेस्ट में फेंक दो, दूसरा क्या कर रहा है, रीअब्जॉर्प्शन स्टॉप करा रहा है, और रीअब्जॉर्प्शन स्टॉप करा रहा है मतलब क्या होगा, यूरिन के थ्रू कैल्शियम क्या हो जाएगी, ड्रेन हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, ठीक है, यूरिन के थ्रू कैल्शियम बाहर जाने लगेगी, तो जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है शरीर में, यूरिन के थ्रू कैल्शियम बाहर जाने लगता है, तो वहीं पे कैल्शियम क्या होता है, जमा होने लगता है, तो आप सुने हो ना कि क्या बन गया, स्टोन बन गया, है ना, पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाता है, क्यों, क्योंकि हम कैल्शियम बहुत ज्यादा खा रहे हैं लेकिन हम पानी नहीं पी रहे हैं ताकि वो कैल्शियम जो है निकल जाए, तो कैल्शियम निकल नहीं रहा है, वहां जाके जमा हो जा रहा है, तो उसी की वजह से क्या हो जाती है, पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाता है, समझ गए, तो जब हम कैल्शियम ज्यादा खा रहे हैं तो हमको क्या करना है, पानी डबल पीना है, जितना पानी पीते उससे डबल पानी पीना है, फिर
ये क्या कराएगी, बोन्स को क्या कराएगी, बोन्स को क्या बोलेगी, बोन्स को क्या बोलेगी कि ओस्टियो ब्लास्ट करो, ओस्टियो ब्लास्ट करो, मतलब कि जो कैल्शियम है कैल्शियम को स्टोर करो, कैल्शियम स्टोर इन बोन्स, बोन्स में कैल्शियम को स्टोर करो, मतलब बोन्स को मजबूत बनाओ। तो बोन्स तो आपके मजबूत हो रहे हैं, लेकिन ये वाली दिक्कत आ जा सकती है यूरिन में कैल्शियम, ठीक है। तो और फूड में रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। तो कैल्शियम अगर ज्यादा खा रहे हो तो पानी ज्यादा पीना, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन और इसकी दिक्कत आ जाएगी स्टोन की, ठीक है। तो समझ में आ गया ये कैसे एंटागोनिस्ट है। मैंने इतना डिटेल में इसलिए बताया कि ये इससे क्वेश्चन आता है बेटा, एंटागोनिस्ट ये पूरा 2022 में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलो इसका क्वेश्चन कर लो, अब देखें तुम लोग को कितना बन रहा है क्वेश्चन इसका, बताओ क्या होगा आंसर। बताओ इतना टाइम क्यों लग रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है तो लिख के मत भेजना, जो है बोलो सामने। कौन सा ऑप्शन, होगा हाँ वेरी गुड, क्या होगा ए, है ना। ए क्यों होगा, क्योंकि स्टिमुलेट्स करता है, हाँ करता है बोन रीअब्सॉर्प्शन को, डिक्रीज तो नहीं करता है, ये रीअब्सॉर्प्शन ऑफ क्या है? ये कराता है, अभी हमने पढ़ा। फिर डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, डिक्रीज नहीं कराता है, ये क्या कराता है, इंक्रीज कराता है। और इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से इसका कोई काम ही नहीं है बेटा, कहीं लिखा था कार्बोहाइड्रेट, नो रोल। तो क्या हो गया, बी डी ई हो गया। चलो नाउ नेक्स्ट इज थाइमस, द थाइमस ग्लैंड इज लोब्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम, सामने में जो टाई जैसी जो आपकी बोन है जिसको स्टर्नम कहते हैं, उसके पीछे क्या प्रेजेंट है, उसके पीछे क्या प्रेजेंट है, थाइमस ग्लैंड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एओर्टा। तो इसका लोकेशन जो है बेटा, इससे क्वेश्चन आता है, इसके लोकेशन से क्वेश्चन आता है, कहाँ पे प्रेजेंट है, बिहाइंड स्टर्नम एंड वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। द थाइमस प्ले अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, थाइमस बच्चों में बड़ा होता है और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं थाइमस छोटा हो जाता है, और बूढ़ों में थाइमस होता ही नहीं है। और थाइमस को एक्टिवेट करने के लिए एक एक्सरसाइज है, क्या करना है, जहां पे थाइमस है पता है ना कहाँ पे थाइमस है, यहाँ बीच में जहां पे थाइमस है आपको वहां पे बस टैप टैप करना है। तो ये क्या होता है कि थाइमस एक्टिवेट होता है इसकी वजह से, टैप करने से, जोर जोर से मुक्का नहीं मारने लगना गोरिल्ला की तरह, वहां पे बस आपको टैप टैप करना है, इससे क्या होता है थाइमस एक्टिवेट होता है और इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं उनका थाइमस क्यों बड़ा होता है, क्योंकि वो अलग अलग तरह के इन्फेक्शन से कॉन्टेक्ट में आते हैं, अलग अलग तरह के इन्फेक्शन के कॉन्टेक्ट में आते हैं और अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज उनके अंदर बनते हैं, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट अलग अलग तरह के बनते हैं, और पूरी लाइफ फिर वही काम आते हैं। फिर आगे जो है ना, आगे बेटा ये सब नहीं बनता है, जितना बनना होता है एक पर्टिकुलर एज तक बन जाता है, और फिर वही वही इम्यून सिस्टम है ना लाइफ लॉन्ग काम आता है। बाद में तुम कितना ही कुछ खा लो, बाद में फिर दवाई ही खानी पड़ती है, कुछ भी हो जाए ना वो दवाई खा के ही ठीक होता है। द ग्लैंड सिक्रेट्स, इसीलिए कहा जाता है ना कि छोटे बच्चों को थोड़ा सा मतलब जमीन वमीन में खेलने देना चाहिए, ताकि वो जर्म्स के कांटेक्ट में आएंगे, थोड़ा बीमार जरूर होंगे लेकिन उनका क्या बनेगा, इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट वगैरह फॉर्म होंगे। दीज ग्लैंड सिक्रेट्स द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड द थाइमोसिन, ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन निकालते हैं, वो कौन सा है, थाइमोसिन। द थाइमोसिन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, देखो टी
टी लिम्फोसाइट बनाने में हेल्प करते हैं। बेटा बताया था मैंने तुम लोगों को ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में कि टी लिम्फोसाइट अलग अलग तरह के होते हैं और तुम्हारे पास इतने तरह के टी लिम्फोसाइट्स होते हैं कि तुमको मतलब उतने तरह के शायद एंटीजन से तुम अफेक्टेड भी नहीं होगे आगे फ्यूचर में, लेकिन उतने तरह के टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जैसे ही कोई मैक्रोफेज याद है वो स्टोरी तुम लोगों को कि मैक्रोफेज जो है किल करती है और फिर उसकी डेड बॉडी को अपने सिर पे लगा करके लेकर के आती है टी लिम्फोसाइट के पास कि देखो मेरे आका मैंने जो है मार गिराया और उसकी जो है बॉडी लेकर के आया हूँ। कहानी सुनाई थी मैंने तुम लोगों को एंटीजन एंटीबॉडी की, कुछ याद है? फिर से सुनाना पड़ेगा लगता है तुम लोगों। वो अपने बॉडी में लगा करके आता है ना, फिर जाके टी लिम्फोसाइट को दिखाते, फिर टी लिम्फोसाइट बहुत सारे तरह के रहते हैं और फिर वो चूज करते कि अच्छा मैं किसके लिए बनाऊं, फिर वो वाला टी लिम्फोसाइट जाता है और उसको अटैक करता है। विच प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इन एडिशन थाइमोसिन ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है जो कि ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ह्यूमरल का मतलब ही क्या होता है? जहर, ठीक है। एंटीबॉडीज, थाइमस इज डिजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल में थाइमस क्या हो जाता है? डिजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब थाइमोसिन उनमें नहीं बनेगा। एज अ रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन इज वेरी वेरी वीक। तो यहां से आपका एसर्शन रीजन क्वेश्चन बन रहा है बेटा। कौन सा एसर्शन रीजन बन रहा है? कि इम्यून सिस्टम जो बूढ़े लोग होते हैं उनका वीक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन है। एसर्शन रीजन बन रहा है यहां से। और एक हो रहा है लोकेशन वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है एड्रीनल ग्लैंड, इससे बहुत क्वेश्चन आता है और ये थोड़ा कंफ्यूज भी करता है। आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, किडनी के ऊपर में कैप की तरह, जैसे किडनी ने कैप पहन रखा हो उस तरह से दो ग्लैंड प्रेजेंट हो, दोनों किडनी के ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। दिस ग्लैंड इज कंपोज ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, और ये जो ग्लैंड होते हैं इनमें क्या होता है बेटा? मेड्यूला होता है और कॉर्टेक्स होता है। और हम जानते हैं कि कॉर्टेक्स हमेशा कहाँ होता है? बाहर होता है। कॉर्टेक्स हमेशा बाहर होता है बेटा, बाहर होता है ना। कॉर्टेक्स हमेशा कहाँ होगा? बाहर होगा। किडनी में भी पढ़ा था ना, कॉर्टेक्स बाहर होगा और मेड्यूला, अरे हो रहा वेट अ मिनट, मेड्यूला अंदर के तरफ होगा और कॉर्टेक्स कहाँ होगा? बाहर में। कॉर्टेक्स हमेशा किसी का भी बाहर होता है और मेड्यूला ये बीच वाला रीजन, मेड्यूला जो है ये बीच वाला रीजन है, ठीक है। कॉर्टेक्स फिर अगेन तीन रीजन में डिवाइड होता है, कॉर्टेक्स तीन रीजन में डिवाइड होता है। और इस कॉर्टेक्स के ऊपर एक कैप्सूल होती है, हमको पता है कि किडनी के ऊपर भी एक कैप्सूल होती है लेयर में, और ये जो ग्लैंड जो टोपी प्रेजेंट है इसके ऊपर भी एक लेयर कैप्सूल की है फॉर इट्स प्रोटेक्शन। उसके बाद तीन लेयर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा एंड जोना रेटिकुलरिस। इसको कैसे याद रखोगे? किडनी में GFR रेट होता है, किडनी में GFR होता है, तो ये GFR है, लाइन से हमको GFR ही याद रखना है, ठीक है। और जो जी है ग्लोमेरुलोसा, ये क्या रिलीज करता है? मिनरेलोकॉर्टिकोसाइड, ठीक है। और एफ क्या रिलीज करता है? ग्लुकाकॉर्टिकॉइड। और रेटिकुलरिस क्या रिलीज करता है? सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो हाँ, कैसे याद रखना कि ये जो GFR, ये जो तीन लेयर है GFR, जो तीन लेयर है ये कैसे जुड़े हुए हैं? मिले हुए हैं ग्लू से, ठीक है। मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, ग्लुकाकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो मिनरेलो को हम क्या याद रख रहे हैं? मिले हुए हैं किससे? ग्लू से। ये तीनों मिले हुए हैं ग्लू से, ग्लू की मदद से ऐसे मिले हुए हैं GFR, ठीक है। फिर उसके बाद मेड्यूला, मेड्यूला में क्या क्या रिलीज होगा? मेड्यूला से क्या रिलीज होता बेटा? एपिनेफ्रिन, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन। द एड्रीनल मेड्यूला सीक्रेट टू हार्मोन, एड्रीनलिन और एपिनेफ्रिन, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। हमको क्या याद रखना है कि जो एड्रीनलिन है, एड्रीनलिन और एपिनेफ्रिन दोनों क्या है? एक ही है, एपिनेफ्रिन एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। और नॉर एड्रीनलिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन एक ही है। इसमें बच्चे बहुत गलत करके आते हैं, ये हमेशा हमको याद रखना है, ठीक है। दीज आर कॉमनली कॉल्ड कैटेकोलामाइन, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कैटे कैटे
कैटेकोलामाइन, ठीक है, इन्हीं को हम कैटेकोलामाइन भी कह रहे हैं। फिर एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन आर रैपिडली सिक्रेटेड इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन। एड्रीनलिन एपिनेफ्रिन, इन दोनों को हम क्या कहते हैं बेटा, कैटेकोलामाइन कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको हम, फियर, देखो कितना गंदा लिखा रहा है, फियर, फ्लाइट और फाइट हार्मोन, थ्री एफ हार्मोन भी हम इसको कहते हैं। यही हमको डराएगा, यही हमको भगाएगा और यही हमको मारने को भी कहेगा, उड़ाएगा। हाँ, तो अगर आपका जिगर मजबूत है तो आप लड़ोगे, जिगर मजबूत नहीं तो भागोगे, और बहुत ज्यादा कमजोर हो तो सिर्फ डरोगे और तीन चार थप्पड़ खा लोगे। फिर ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं बेटा, इन्हीं को हम कह रहे हैं इमरजेंसी हार्मोन। तो आपको बुक में ऐसे ही लिख लो मेरे साथ, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि यही सेम चीज है जिसको हम इतनी सारी चीजें कह रहे हैं। फिर दीज हार्मोन इंक्रीज द अलर्टनेस, क्यों कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन, क्योंकि ये अलर्टनेस इंक्रीज करता है। तो यहां से आपका एसर्सन रीजन बन रहा है कि हम इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं क्योंकि अलर्टनेस बढ़ाता है। ये किस पे काम करता है बेटा, सिंपैथेटिक या पैरासिंपैथेटिक? पैरा। सिंपैथेटिक, पैरा मतलब आराम, पैरा मतलब पैर फैला के आराम करो, खाओ और रेस्ट करो। फियर फ्लाइट वाला जहां आता है मतलब सिंपैथेटिक है ना, सिंपैथेटिक, वर्क ऑन सिंपैथेटिक। ये क्या करेगा, अलर्टनेस बढ़ाएगा, प्यूपिल का डायलेशन, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी किसी चीज को देख के, है ना, रेजिंग ऑफ हेयर। तो ये पेलो इरेक्शन होगा, पेलो इरेक्शन मतलब समझ रहे हो ना, रेजिंग ऑफ हेयर, ठीक है। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, कभी नीट में आ जाए तो डर मत जाना कि पेलो इरेक्शन क्या था, कि एपिनेफ्रिन हार्मोन क्या कर रहा है, अलर्टनेस बढ़ा रहा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्यूपिल डायलेशन कर रहा है, फिर पीलो इरेक्शन कर रहा, तो वहां पे गलत गलत करके आ जाओगे, पीलो इरेक्शन तो पढ़ा ही नहीं था, समझ गए। तो पीलो इरेक्शन स्वेटिंग करा रहा है, तो ये सारी चीजें ये कराता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इमरजेंसी हार्मोन कह रहे हैं। बोथ द हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट, और क्या कराता है, हार्ट बीट बढ़ाता है, द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। पापा को बोल करके गए कि पापा पढ़ने जा रहे हैं और तुम चले गए पार्टी में, तो क्या होगा, फिर पापा को देख लोगे तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन, सांस फूलने लगेगी कि अब तो यहीं पे पापा मतलब बाजार में ही मारेंगे धर के अच्छे से। कैटेकोलामाइन आल्सो स्टिमुलेट, देखो यहाँ पे नाम बदल दिया, कैटेकोलामाइन मतलब एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा, ताकि ग्लाइकोजन ब्रेक होकर ग्लूकोज में बदल जाए और आप पापा को देख के जोरदार जो है दौड़ लगाओ, भागो, जितनी तेज भाग सकते हो भाग जाओ, एटीपी बढ़ाएगा, ग्लूकोज बढ़ेगा, एटीपी बढ़ेगा, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज इन ब्लड। इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन भी कराएगा, ताकि अगर भाई तुम्हारे पास अगर ग्लाइकोजन नहीं है ना, ग्लाइकोजन नहीं है तो लिपिड और प्रोटीन से ही एनर्जी बनाएगा कि पापा को देखे तो भागो अब तेजी से, नहीं तो वही बाजार में कूट दिए जाओगे। इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. तो ये लाइन बिल्कुल, देखो मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ा रही हूँ कि हमको याद करते जाना है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक में वर्क किया और इससे क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है क्या क्या, हार्ट बीट, जल्दी जल्दी यहीं पे लिख लोगे, हार्ट बीट इंक्रीज हो रहा है, और क्या हो रहा है, ब्रीदिंग रेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो रहा है, और क्या हो रहा है, ग्लूकोज, ठीक है, एटीपी बढ़ रहा है, एटीपी हमारा बढ़ रहा है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है बॉडी में, और क्या हो रहा है, लिपिड और प्रोटीन का ब्रेकडाउन ऑफ, अच्छा ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन को क्या बोलते हैं, लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस। हाँ, लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस, अगर मान लो वहां पे लिपोलाइसिस प्रोटियोलाइसिस लिख दिया एनटीए वालों ने इसको घुमा के, तो समझ जाना कि यही बात है, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, और प्रोटीन लिपिड फैट इन सब से अगर ग्लूकोज बनता है बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कि ग्लूकोज बन रहा है लेकिन ग्लाइकोजन से नहीं बन रहा है, कोई अदर चीज से बन रहा है, ठीक है। फिर द एड्रीनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर,
हमने मेड्यूला के बारे में पढ़ा, पहले अंदर से पढ़ा, अब हम बाहर देख रहे हैं, तीन लेयर में डिवाइडेड है, ठीक है। इनर लेयर कौन सी है, याद रखना जी एफ आर है, अंदर वाला आर है, ठीक है। जी एफ आर मतलब बाहर वाला जी होगा, जी एफ आर है। द एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मैनी हार्मोन, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। जी एफ आर से जो भी हार्मोन निकल रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्टिकॉइड्स बोल रहे हैं। जो भी हार्मोन निकल रहे हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, उन सबके नाम में क्या लगेगा, कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। दीज कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट एंड विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा उसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि ग्लूकोज मिल करके क्या बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहे हो, इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल ही मेन कौन है, कॉर्टिसोल ही मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ठीक है। चलो यहां पर मैं आपको जी एफ आर का ये बता दूं, ये बनाता है मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स। दूसरे पेज में ले लूं क्या, या इसको थोड़ा हटा दूं, है ना, यहाँ दिख नहीं रहा है ना, इसको थोड़ा साइड कर लूं। किसी को कहीं जाना तो नहीं है? नो मैम। चलो तो आज हम इसको याद ही कर लेंगे, ठीक है। गब्बर है, गब्बर को हम क्या बोल रहे हैं, गफर, ऐसे मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स। तो याद रखना कॉर्टिकॉइड्स कहीं भी नाम आ रहा है वो कॉर्टेक्स से रिलेटेड है, किसके कॉर्टेक्स से, एड्रेनल ग्लैंड के, ठीक है। फिर है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। फिर है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ये एनसीईआरटी में बेटा ऐसे बना लो, हेल्प मिलेगा याद करने में। मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स नाम से पता चल रहा है ये क्या कर रहा है, आयन वाटर बैलेंस, आयन वाटर को बैलेंस कर रहा है बॉडी में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन है मेन, कॉर्टिसोल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जो मेन हार्मोन है वो कौन है, कॉर्टिसोल। और बताया है कई बार कॉर्टिसोल का नाम लिया है मैंने, ये कैसा हार्मोन है बेटा, स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है। और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है मतलब कि ये क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन है मतलब ये क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है बॉडी में, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है बॉडी में। क्यों लेवल बढ़ाता है ये ग्लूकोज का, देखो जब कोई बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रहता है, टेंशन लेता है, तो उसको डायबिटीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि डायबिटीज हेरिडिटी बीमारी है और साथ में स्ट्रेस वाली बीमारी है। डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होता, डायबिटीज होता है स्ट्रेस से, या फिर अगर जेनेटिक है, आपके जीन में ही लिखा हुआ है कि डायबिटीज होगा तो वो होगा। तो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, बॉडी को कांस्टेंट क्या चाहिए, स्ट्रेस ले रहे हो, आपको पता है कि ब्रेन सबसे ज्यादा एनर्जी यूज कर लेती है आपका, 70-80% जो है कौन यूज करता है एनर्जी, ब्रेन यूज करती है। तो जब स्ट्रेस लेते हैं तो ब्रेन को, आप दिन रात लगातार कुछ सोच रहे हो तो ब्रेन को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जितना भी स्टोर्ड फैट है, जितना भी आपके पास ग्लाइकोजन, जो भी तुम खा रहे हो, वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ग्लूकोज में, जल्दी जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की वजह से ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बॉडी में, ठीक है। ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से, और ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, डायबिटीज होगा, ठीक है। तो ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है सबसे बेकार हार्मोन होता है, क्योंकि कॉर्टिसोल क्या करता है, स्ट्रेस बढ़ाता है, स्ट्रेस बढ़ता है तो ग्लूकोज बढ़ता है, और साथ में क्या कराता है कि ये कॉर्टिसोल इंक्रीज होते ही बॉडी को ये रिस्पॉन्स जाता है कि भाई इसको और भी ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस बंदे को सोचना है, दिन भर सोचना है, दिन भर टेंशन लेना है, तो और ज्यादा इसको जरूरत पड़ेगी। तो वो क्या करता है कि फैट डिपॉजिट करने लगता है शरीर में, स्टोर करके रखने लगता है। जैसे तुमको पता है कि तुमको पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तुम पैसे तो खर्च कर रहे हो लेकिन तुमको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो तुम और पैसा जमा करके रखने लग रहे हो बैंक में। तो वैसे ही ये क्या कर रहा है कि फैट डिपॉजिट कर रहा है, जो भी तुम खाओगे ना वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फैट डिपॉजिट करेगा और उसी फैट को कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लूकोज में। आपको पता ना कि फैट क्या है, बैंक है ना, एनर्जी बैंक है, तो फैट को कन्वर्ट करेगा बाद में ग्लूकोज में। तो ये क्या करता है, ओबेसिटी भी बढ़ाता है,
मैक्सिमम लोगों को मोटापा जो है स्ट्रेस की वजह से आता है, और बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं। जो खाना नहीं खाएंगे तो उनकी बॉडी में क्या होगा, जो खाना नहीं खाएंगे तो उनकी बॉडी का जो भी फैट है, जो बचा खुचा फैट है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रेस लेने की वजह से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उनका पूरा शरीर जो है गल जाएगा। समझ गए? तो सबसे बेकार हार्मोन जो है आपके बॉडी में वो कौन है, कॉर्टिसोल है, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ जो है मेडिटेशन के जरिए, घूमने फिरने के जरिए आप इसको खत्म कर सकते हो। इसके लिए दवाई लेना बहुत खराब है। घूमो फिरो, मेडिटेशन करो, बस इसी से ठीक होता है ये, या फिर सो जाओ। ज्यादा बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते, सो जाओ। नेक्स्ट, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में आपका क्या होगा, जो हॉर्मोन्स हैं वो सारे बैलेंस होंगे, है ना, वो सभी के सभी क्या होंगे, बैलेंस होंगे। चलो अब यहाँ देख लो क्या लिखा हुआ है। इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ बॉडी एंड बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एल्डोस्टेरोन इज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरोन आएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कैसे वर्क करता है बेटा, बीपी बढ़ाता है कि घटाता है, बढ़ाता है। हाँ, जिसका बीपी कम हो जाता है तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है। तो यहाँ पर एंटागोनिस्ट एक बिहेवियर है, कौन है आपका, एपिनेफ्रिन और एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एड्रीनलिन और जो एल्डोस्टेरोन है, ये क्या है, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, देखो लिखा है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस से क्या मतलब है बेटा, कि आपके फैट से भी वो ग्लूकोज बनाता है, इसीलिए ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और डायबिटीज होता है। क्या कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब समझ रहे हो ना, अभी बताया मैंने, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन, ग्लूकोज का बनना अदर देन ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन से टूट टूट के नहीं बन रहा, किससे बन रहा है, लिपिड से, प्रोटीन से, प्रोटीन लिपिड फैट जो भी आप खा रहे हो उनसे भी क्या बन जा रहा है, ग्लूकोज बन जा रहा है, ठीक है। फिर लिपोलाइसिस, लिपिड टूट रहा है, प्रोटियोलाइसिस हो रहा है, एंड इनहिबिट द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड। कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्वड इन मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, एज वेल एज द किडनी फंक्शन। तो जब आपको स्ट्रेस होगा तो ब्लड से रिलेटेड डिजीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, सारे डिजीज आ जाते हैं। तो सबसे बेकार हार्मोन अगर हमारे बॉडी में है तो वो कौन है, कॉर्टिसोल है। लेकिन मैम तो फिर कॉर्टिसोल का जरूरत क्या है, इसको तो निकलना ही नहीं चाहिए, है ना, बनाना ही नहीं चाहिए था बॉडी में। लेकिन बेटा अगर कॉर्टिसोल नहीं बनता ना तो तुम आए दिन किसी न किसी को पीटते रहते, क्योंकि कॉर्टिसोल क्या करता है, थोड़ा डराता है हमको कि डर के रहो भाई, ये लॉ है, ये है, तो फिर हम डरते नहीं ना बिल्कुल। फिर मम्मी लोग जो अभी आपकी चिंता करती हो, मम्मी चिंता भी नहीं करती कि बेटी कहाँ है, नहीं है, एकदम कूल रहती, अच्छा कहीं है, कोई बात नहीं। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, सप्रेस द इम्यून सिस्टम, देख लो। अब ये इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस कर देता, तो मतलब स्ट्रेस हुआ तो सब खत्म, कॉर्टिसोल आगे आगे कहाँ है, हाँ, और देखो क्या कर रहा है, कितना ज्यादा कॉर्टिसोल के बारे में बताया हुआ है, इसलिए मैंने भी तुम लोगों को कई बार क्लास में कॉर्टिसोल के बारे में बताया। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन, एल्डोस्टेरोन एक्ट्स एज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ठीक है, कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स द आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी को लेकिन बढ़ा रहा है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एक और कौन बढ़ा रहा था बेटा, थायराइड में पढ़ा हमने, थायराइड में पढ़ा ना, क्या आपका ब्लड बन रहा है, यहाँ भी ब्लड बन रहा है, और एरिथ्रोपोइटिन, और कौन कर रहा है बेटा, एरिथ्रोपोइटिन। एल्डोस्टेरोन एक्ट्स मेनली एज रीनल ट्यूब्यूल्स, एल्डोस्टेरोन किसमें वर्क करता है, एल्डोस्टेरोन क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, और ये वर्क करता है रीनल ट्यूब्यूल में, स्टिमुलेट्स द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम तो करता है, लेकिन साथ में क्या कर रहा है, पोटेशियम को बाहर निकाल रहा है, फॉस्फेट आयन को बाहर निकाल रहा है, ये भी याद रखना है साथ में आपको। बस एल्डोस्टेरोन हेल्प इन मेंटेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम,
ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, इन सबको रेगुलेट करता है कौन? आपका एल्डोस्टेरोन. स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाई द, जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं बहुत कम अमाउंट में निकलते हैं, बाई द एड्रीनल कॉर्टेक्स विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्रॉबर्टी. इसका प्यूबर्टी, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हेल्प करता है. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन बना रहा है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन बना रहा है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यहाँ पे लिखोगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन बना रहा है? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कैरेक्टर. और यहां पर हमने क्या पढ़ा? बीपी को मेंटेन कर रहा है, सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है, और क्या कर रहा है? पोटेशियम को, पोटेशियम एंड फॉस्फेट को क्या कर रहा है? बाहर. फॉस्फेट को क्या कर रहा है? एक्सक्रीट कराने का काम कर रहा है, ठीक है, बाहर करने का काम कर रहा है एल्डोस्टेरोन. और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एक और क्या काम लिखा, क्या पढ़ा हमने कि आरबीसी, आरबीसी प्रोडक्शन, ठीक है, आरबीसी प्रोडक्शन को क्या कर रहा है? स्टिमुलेट्स. देखो कितना गंदा लिखा रहा है, पता नहीं इसमें क्या हो गया है. ये कुछ नहीं, सब मैक का दिक्कत है. इतनी अच्छी इसमें हैंडराइटिंग आती थी, पढ़ाई हूं ना मैं तुम लोगों को, इसमें कितना अच्छा लिखती थी. और बताओ, ऐसा आ रहा है जैसे मुझे लिखना ही नहीं आता है. चलो क्वेश्चन बनाओ जरा, देखो छुपा हुआ क्वेश्चन मेरा, क्या बोले. हाँ बताओ, यहाँ भी क्वेश्चन है. अच्छा चलो चलो क्वेश्चन बनाओ. एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाई. एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है निकलता है किससे? किडनी से, ठीक है. आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है. ये कहाँ से निकलता बेटा? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी से. कहाँ से निकलता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी से निकलता है. देखो ये चीज छूटी थी तो इससे कंप्लीट हो गया, ठीक है. मैच करो, मैच तो बन जाएगा. पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होगा? ग्रेव डिजीज तो बेटा थायराइड से होगा, बी का तो फर्स्ट होगा, इंसिपिडस होगा, डायबिटिक इंसिपिडस. हाँ, पिट्यूटरी से इंसिपिडस होगा, थायराइड से ग्रेव डिजीज होगा, ठीक है. और विद ग्रेव डिजीज किसमें होगा? हाइपर थायराइडिज्म में, है ना. फिर एड्रीनल से क्या हो जाएगा? एड्रीनल से एडिशन डिजीज होगा, एड्रीनल से एडिशन डिजीज. मैं आपको इन सब का फोटो दिखाऊंगी. फिर पैनक्रियाज से क्या होगा? डायबिटीज मेलिटस होगा. आगे अभी और पढ़ोगे तुम लोग. इसमें कोई भी लाइन नहीं बचा था ना? पढ़ लिए हैं सारा? यस मैम, सब पढ़ लिया. ओके, ये पढ़ना है पैनक्रियाज, ओवरी. हाँ कि थक गए? कब शाम में क्लास लोगे? नहीं शाम में नहीं लूंगी, काम में नहीं लूंगी. अरे मेरे साथ दिक्कत है ना, थोड़ा सा पैनक्रियाज वगैरह पढ़ लो यार, क्या दिक्कत है. पैनक्रियाज, पैनक्रियाज इज अ कंपोजिट ग्लैंड, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रो हेट्रोक्राइन, ठीक है, विच एक्ट्स एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. द एंडोक्राइन पैनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस. एंडोक्राइन में क्या होता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस. और एक्सोक्राइन में क्या होता है? एसिनी सेल, एसिनी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. जहां पे डक्ट, एक्सोक्राइन में क्या प्रेजेंट होगा? डक्ट होगा, डक्ट होगा. और इस डक्ट से क्या निकलेगा? पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा, ठीक है. अच्छा, सबसे पहले जो हार्मोन डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन कौन सा था? ना वो तो बना था बेटा, आर्टिफिशियली बना था. सबसे पहले कौन सा था? सिक्रेटिन. सिक्रेटिन, सिक्रेटिन कहां से रिलीज होता है? डियोडेनम से, ठीक है, डियोडेनम से. साइंटिस्ट थे बेलेस, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट? बेलेस और स्टारलिन.
स्टारलिन एंड बेलेस, ठीक है, ये दोनों 1902 में काम कर रहे थे कुछ इंटेस्टाइनल जूस पे देख रहे थे, तो एक्सीडेंटली उनको ना क्या दिखा कि जो फूड जो है एसिडिक फूड, जिसे बहुत ज्यादा एसिडिक खाया, वो एसिडिक जो काइम है ना, वो जब ड्यूडेनम के पास गया तो वहां पे कुछ रिलीज हुआ, और उसने क्या किया, उस एसिडिक जो एसिडिक जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर हाफ डाइजेस्टेड जो फूड है, उसमें क्या रिलीज हो रहा है ड्यूडेनम से, सिक्रेटिन रिलीज हो रहा है, और वो क्या कर रहा है, उसको एल्कालाइन बना दे रहा है। तो सबसे पहले सिक्रेटिन जो है डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है, और ये हार्मोन था। दीज आर अबाउट 1 to 2 million islets, देर आर अबाउट 1 to 2 million islets ऑफ Langerhans इन अ नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज, रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 to 2% ऑफ द पैनक्रियाटिक टिश्यू, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको डाटा बता रहा है, 1 to 2 million आइलेट ऑफ Langerhans होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1-2% है पैनक्रियाटिक टिश्यू का। दो मेन तरह के इसमें सेल होते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। तो पैनक्रियाज में हमको क्या पढ़ना है, पैनक्रियाज में स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आइलेट्स ऑफ Langerhans, बिल्कुल फूल की तरह लगता है, फूल की तरह लगता है और लगता है जैसे आइलैंड है, ठीक है, आइलेट्स ऑफ Langerhans। और इसमें दो तरह के सेल होते हैं बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल कहते हैं। अल्फा सेल से क्या निकल रहा है, ग्लूकागॉन, और बीटा सेल से क्या निकल रहा है, इंसुलिन। बीटा सेल से इंसुलिन निकल रहा है। तो याद कैसे रखोगे कि अल्फाबेट में जी पहले आएगा, और अल्फा बीटा गामा ये सब, तो अल्फा पहले आता है, तो अल्फा और जी, और बीटा और आई, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फिर ग्लूकागॉन इज ए पेप्टाइड हार्मोन, ये भी कैसा है, पेप्टाइड हार्मोन है, एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। कैसे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ग्लूकागॉन एक्ट्स मेनली ऑन लीवर सेल। ग्लूकागॉन क्या करेगा, लीवर सेल में एक्ट करेगा, किस पे एक्ट करेगा बेटा, लीवर सेल में, ठीक है, लीवर सेल में भी किसमें, हिपैटोसाइट्स, उसके पूरे सेल में हिपैटोसाइट्स, एंड स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसका मतलब क्या है, लीवर सेल क्या कर रहा है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, इसका मतलब कि ग्लूकोज बना रहा है या ग्लूकोज तोड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, लाइसिस है बेटा, ग्लाइको है, मतलब ये ग्लाइकोजेन को ब्रेक कर रहा है, ग्लाइकोजेन को ब्रेक कर रहा है। ग्लाइकोजेन ब्रेक होकर के क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लाइकोजेन ब्रेक होकर के क्या बन रहा है, ग्लूकोज। तो लीवर में जो बड़े बड़े लड्डू पड़े हुए हैं ना ग्लाइकोजेन के, उसको ये क्या कर रहा है, छोटे छोटे लड्डू में कन्वर्ट कर रहा है। क्यों कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि ग्लाइकोजेन हिपैटोसाइट से बाहर नहीं निकल सकते, लीवर सेल से क्रॉस नहीं कर सकते, तो जब वो ग्लूकोज में उनको तोड़ देगा तो वो क्रॉस कर जाएंगे, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा बेटा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा, ग्लूकोज का लेवल ये बढ़ाएगा। तो जब भी हम फास्टिंग वगैरह में होते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोजेनोलाइसिस होता है। कब, फास्टिंग के केस में, जब भी हम फास्टिंग के कंडीशन में होते हैं या बहुत दिन से खा नहीं रहे हैं, तो ग्लूकोजेनोलाइसिस होता है, वो कौन करता, अल्फा सेल, ठीक है। सो ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन ब्लड शुगर, और ब्लड शुगर के बढ़ने को हम क्या कहते हैं, हाइपर ग्लाइसेमिया कहते हैं। ब्लड शुगर के बढ़ने को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो हाइपर है मतलब बढ़ा हुआ, ग्लाइसेमिया, कैल्शियम बढ़ता है तो हाइपर कैल्सेमिया, ग्लूकोज बढ़ता है तो हाइपर ग्लाइसेमिया, क्लियर। इन एडिशन दीज हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, साथ में ये और क्या कराता है, ये क्या कराता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस तो कराता है, और साथ में क्या कराता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये भी समझ में आ गया है, मैं अभी बताई हूँ ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, विच ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू हाइपर ग्लाइसेमिया, इसकी वजह से भी क्या होगा, हाइपर ग्लाइसेमिया होगा। ग्लूकागॉन रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, द ग्लूकागॉन इज हाइपर
हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, ये कैसा हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है। तो ये वाले में भी आप बगल में इसी तरह का चार्ट बना लो एनसीईआरटी में, छोटा छोटा ऐसा लिख लो ताकि याद रहेगा, क्योंकि ना एक एक लाइन बेटा छूट जाती है, ये सब छूट जाता है जब पढ़ने बैठोगे ना, रिवीजन करने सब छूट जाता है। इंसुलिन, इंसुलिन की बात करते हैं, ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। तो ये क्या है, दोनों एंटागोनिस्ट हैं, एंटागोनिस्ट हैं। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये कहाँ कहाँ वर्क करता है बेटा, लीवर सेल और एडिपोसाइट्स, ये भी लीवर सेल में वर्क करता है, साथ में किसमें करता है, एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स क्या होता है बताओ जल्दी, पता है किसी को, फैट स्टोर होता है, फैट स्टोर करने वाले सेल्स जो होते हैं ना, एडिपोसाइट्स, फैट स्टोर करने वाले सेल, ठीक है। तो इसमें मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था कि एडिपोसाइट्स की वजह से, जैसे आप बोलते हो ना कि किसी ने खाना कम कर दिया तो कुछ दिन दुबला हो जाता है, फिर खाने लगता है तो फिर से मोटा हो जाता है, क्योंकि जो एडिपोसाइट्स है वो पिचक जाता है, फिर से फूल जाता है। तो जिसमें एडिपोसाइट्स बन गया है तो उसमें क्या होगा, जब खाना छोड़ेगा तो दुबला हो जाएगा, खाना खाएगा तो फिर मोटा हो जाएगा। हम आपने बताया था कि इसे सुकड़ जाएगा पर कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, लेकिन कभी खत्म नहीं होगा। तो जो मोटे होते हैं ना, आप देखना कि बहुत उनका, जब तक एडिपोसाइट्स अगर खत्म नहीं हुआ बेटा, तो समझ लो कि वो ना हमेशा मोटा ही रहेगा। वो कुछ दिन डाइटिंग करेगा तो दुबला हो जाएगा, लेकिन फिर मोटा हो जाएगा। तो लीवर सेल एंड एडिपोसाइट्स में वर्क करता है। वाह भावना, तुमको याद है मैंने ये बात तब बताई थी जब मैंने स्टार्ट किया क्लास, और जब तुम आती थी उस समय, है ना। सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू एनहांस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, एज अ रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपेटोसाइट। ये क्या काम कराता है भाई, कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ठीक है, ये क्या कराएगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको क्या बोलेगा, लीवर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जितना तुमको चाहिए उतना नहीं, वो तो यूज होगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या बोलेगा, लीवर में स्टोर कराएगा, लीवर में स्टोर कराएगा। किस फॉर्म में, जो छोटे छोटे लड्डू हैं, जो छोटे छोटे ग्लूकोज हैं, ग्लूकोज हैं, उसको लीवर क्या करेगा, ग्लूकोज को लीवर क्या करेगा, बड़े बड़े लड्डू में कन्वर्ट करेगा। और ये बड़े बड़े लड्डू को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेन, ठीक है। सो डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल और हैंस ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज लेवल को क्या कर रहा है, ग्लूकोज लेवल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो हाइपर ग्लाइसेमिक था, ये क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिक है, ग्लाइसेमिक। देखो क्या लिखना चाहती हूँ, क्या लिखा रहा है, इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजेन, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेन बनने को ग्लाइकोजेनेसिस। ये क्या करा रहा है बेटा, ग्लाइको, ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। तो ये जितनी जो चीजें हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस, इसको बार बार पढ़ के जाना एग्जाम टाइम में, क्योंकि ये वहां पे तुम लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। इन द टारगेट सेल द ग्लूकोज हीमोस्टेसिस इन ब्लड इज थस मेंटेन जॉइंटली बाई टू हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं ग्लूकोज का लेवल, जब तुमको जरूरत है तो बढ़ा रहे हैं और जो तुमको जरूरत नहीं है तो उसको घटा रहे हैं। तो इंसुलिन क्या करता है, बड़े बड़े लड्डू बना करके बनवाता है, किससे, लीवर से, लीवर को बोलता है इंसुलिन निकलेगा, ठीक है। पैनक्रियास के पास जो इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन क्या है, मैसेंजर है, दौड़ दौड़ के जाएगा, बोलेगा भाई ग्लूकोज बहुत बढ़ गया, अब तुमको क्या करना है, ग्लूकोज नहीं निकालना, उसके लड्डू बना के रख लो। जैसे शादी में जब चीनी बहुत बच जाता है तो क्या करते हैं, चीनी का देखते हो वो बना देते हैं, बड़ा बड़ा सा ऐसे चक्की टाइप का बना देते हैं, या चीनी का कुछ बनवा करके रख देते हैं कि चीन, ताकि वो बाद में जब फ्यूचर में जरूरत हो तो हम उसको यूज कर सकें। तो जब चीनी खत्म हो जाएगा तो हम उसको यूज करेंगे। या फिर शादियों में देखना कोई सब्जी वगैरह बच जाता है, कभी देखियो ऐसा सब्जी बच जाता है तो उसको सुखा दिया जाता है, सुखा के रख लिया जाता है, और फिर जब वो सब्जी का सीजन नहीं रहता उस समय उस सब्जी को खाया जाता है, टमाटर गोभी इन सबको रखा जाता है, गोभी रखता है, हाँ गोभी टमाटर इन सबको लोग रखते हैं। तो वैसे ही इन, हाँ वैसे ही भिंडी वगैरह बहुत बहुत सारी सब्जी को रखा जाता है। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन वैसे ही काम करता है। तो इंसुलिन दौड़ दौड़ के जाएगा और लीवर को बोलेगा भाई बड़े बड़े लड्डू बना के रख ले, और फिर वो बड़े बड़े लड्डू बना के रख लेगा, और ग्लूकागोन जब देखेगा कि वो फास्टिंग में है बंदा तो क्या करेगा, बोलेगा उस ग्लूकागोन को तोड़ो और रिलीज करो, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाओ। क्लियर हो गया,
प्रोलॉन्ग्ड हाइपर ग्लाइसेमिया, जब बहुत समय तक हाइपर ग्लाइसेमिया रहता है, तुम जो है ये कितने ही लड्डू बना के रखेगा, अब तुम खाए जा रहे हो मिठाई एक दिन में, मतलब तुम बोल रहे हो कि मेरे को ना पॉजिटिव रहना है, मेरे को एंडोर्फिन रिलीज करना है, तो तुम पूरा चॉकलेट खा रहे हो, मिठाई खा रहे हो, और दिवाली के टाइम पे और बहुत सारी मिठाइयां घर में आ गई, तो तुम सोच रहे हो कि भाई तुम्हारा ना खा जाए उससे पहले तुम खा जाओ, तो तुम पूरा डब्बा रगड़ गए मिठाई का। ऐसा होता है ना कि भाई ना खा जाए उससे पहले मैं खा जाऊंगा, हाँ, तो तुम छुपा के डब्बा कहीं रख दिए, उन्हें बताया नहीं कि बगल वाले के यहाँ से मिठाई आया हुआ है, तुमने वो पूरा डब्बा खा लिया, और फिर पता चला कि वो डब्बा जो है ना तुम्हारे शरीर में फूट रहा है। हाइपर ग्लाइसेमिया लीड्स टू कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर डायबिटीज मेलिटस, क्या हो जाएगा, मेलिटस। तो याद रखना, जब हम मीठा खाते हैं, मीठा मीठा ज्यादा खाते हैं, तो होता है मेलिटस, और जब पानी, जब आपका एडीएच एडीएच डिस्टर्ब होता है, तो क्या होता है बेटा, इंसिपिडस, है ना, जब पानी का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने लगेगा किडनी से, बहुत बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, बार बार यूरिन पास आउट करना पड़ेगा, रात भर उठना पड़ेगा, तो उसमें क्या होता है, इंसिपिडस, ठीक है, इंसिपिडस, और मीठा खाओगे तो मेलिटस। सो विच इज एसोसिएटेड, और पता है बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, जिनको ना बार बार यूरिन जाना पड़ता है, तो वो सोचते हैं कि हमको भी मीठा वाला हुआ है, लेकिन उनको क्यों, कौन सा वाला हुआ है, उनको किडनी की वजह से हो रहा है वो चीज, और डायबिटीज, और उनका क्या होता है ना, पैर वैर फूल जाता है, लेकिन जिसको डायबिटीज मेलिटस होगा उसको पैर नहीं फूलेगा, पहले देखे हो ना किसी किसी का डायबिटीज में पैर फूल जाता है, हाँ, उनको बार बार यूरिन जाना होगा। तो इंसिपिडस और मेलिटस में डिफरेंस है। डायबिटीज विच इज एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, और जिनको डायबिटीज मेलिटस होगा उसके यूरिन में ग्लूकोज आएगा, जहां पे वो यूरिन करेंगे ना वहां चींटियां आ जाएंगी, एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड कॉल्ड कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज उनके बॉडी यूरिन में दिखेगा। डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी, ऐसे पेशेंट को क्या दिया जाता है, इंसुलिन थेरेपी दी जाती है ना, करेला वगैरह खाने को बोला जाता है। करेला क्यों खाने बोलते हैं भाई, आपका जो पैनक्रियाज है वो करेले जैसा दिखता है, तो करेला खाओ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल करेले जैसा, और जो उसके जब कट करो ना करेला, तो जैसा दिखता है उसका पीस, वैसे ही दिखता है आईलेट्स ऑफ लैंगरहांस, या फिर भिंडी, भिंडी कट करो तो वैसे ही देखने को मिलता है उसी तरह का, फ्लावर फ्लावर जैसा, तो इसलिए भिंडी करेला ये सब खाने से क्या होता है, ठीक हो जाता है, तो जो जैसा दिखता है उसी से वो ठीक होता है। टेस्टिस, टेस्टिस के बारे में तुम लोगों को बहुत डिटेल में पता है, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है ऑफ मेल इंडिविजुअल, टेस्टिस परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, हमको पता है कि दो तरह से काम करता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो टेस्टिस से क्या निकलता है बेटा, ड्यूअल फंक्शन कैसे है टेस्टिस का, क्योंकि इससे हार्मोन भी निकल रहा है, कौन सा हार्मोन निकल रहा है, कौन सा हार्मोन निकल रहा है नालायकों, टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, टेस्टोस्टेरोन, हाँ, टेस्टोस्टेरॉन, और ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन निकल रहा है हार्मोन, और क्या निकल रहा है इससे, सीक्रेट क्या हो रहा है, स्पर्म सेल्स, क्या सेल निकल रहे हैं ना, जर्म सेल बोलो, स्पर्म निकल रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल, तो डबल फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो टेस्टिस इज कंपोज ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हमने पढ़ा था कि बहुत सारे टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, हाँ ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, बहुत सारे, बहुत सारे, है ना, एंड स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यूज, बीच बीच में इंटरस्टिशियल टिश्यूज होते हैं, द लेडिग और इंटरस्टिशियल टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन द इंटरट्यूबुलर स्पेस प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हॉर्मोन, यहाँ पर जो बीच बीच में जो गैप है, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल जो ये जो गैप है, यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और हम इसको क्या बोलते हैं, लेडिग, सॉरी, लेडिग बोलते हैं, और इससे क्या रिलीज होता है बेटा, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टो मुझे स्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है, इससे एंड्रोजेंस रिलीज होते हैं, एंड्रोजेन का मतलब ही है बेटा टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होना, एंड्रोजेन कोई अलग हार्मोन नहीं है, एंड्रोजेन मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन है, ठीक है, तो इससे आपका टेस्टोस्टेरॉन रिलीज हो रहा है, और मेल में भी थोड़ा एस्ट्रोजन रिलीज होता है, थोड़ा प्रोगेस्टेरॉन रिलीज होता है, लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं है, हम सिर्फ क्या बोलते हैं कि इनमें क्या रिलीज हो रहा है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, थोड़ा
थोड़ा थोड़ा उनमें भी रिलीज होता है, जैसे फीमेल में भी क्या रिलीज होने लगता है, टेस्टोस्टेरोन एक समय के बाद। तो आवाज थोड़ी मोटी हो जाती है, और किसी किसी के देखना मूंछ उछ आने लगती है, ज्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा तो ज्यादा मूंछ आने लगेगी फीमेल के, इधर इधर बाल आने लगेगा, समझ गया। तो मेल में फीमेल वाले हार्मोन होते हैं, फीमेल में भी मेल वाले हार्मोन होते हैं, लेकिन वो सप्रेस। हाँ मतलब मैम मैंने देखा है किसी को टीनेज में भी मतलब फेशियल हेयर्स होते हैं लड़कियों में, मूंछें आई तो हुई वो होती हैं। इसलिए देखो वो हल्की फुल्की जो मूछे जैसी जो होती हैं, ठीक है, फेशियल हेयर होते हैं और आवाज जो है भारी होने लगती है, वो इसकी वजह से हो रहा है कि टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है उनमें, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा। ऐसे मेल में भी फीमेल वाले, फीमेल में मेल वाले हार्मोन होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजेन बोलते हैं। एंड्रोजेन कोई हार्मोन नहीं है, ठीक है, एंड्रोजेन्स बोलते हैं, ग्रुप ऑफ हार्मोन। एंड्रोजेन क्या है, ग्रुप ऑफ हार्मोन है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, उसमें से एक क्या है, टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ से मेनली क्या निकलता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन निकलता है, ठीक है। एंड्रोजेन रेगुलेट द डेवलपमेंट मैच्यूरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या कर रहा है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इनको डेवलप करा रहा है, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। तो यहां से याद रखना कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से है मेल के। दीज हार्मोन स्टिमुलेट्स मस्कुलर ग्रोथ, और क्या कर रहा रहे हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी डेवलप कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन से हो गए, एडम्स एप्पल बनना, फेशियल एक्सिलरी हेयर होना, एग्रेसिवनेस होना, जिसमें टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बनेगा ना, वो बहुत गुस्से वाला आदमी होगा। किसी किसी के पापा बहुत कूल होते हैं, और किसी किसी के पापा ना बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब लगेगा ना कि ऑल टाइम मारने के लिए तैयार है। हाँ, मारने के लिए तैयार है, आवाज बहुत ज्यादा एकदम लाउड होगी, तो इसका मतलब ना उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा है। तो टेस्टोस्टेरोन वाले खाने ही मत दो ऐसे पापा को, समझ गए। ऐसा देखो कि टेस्टोस्टेरोन किससे बढ़ रहा है, वो सब खाने मत दो उनको, ज्यादा दौड़ भाग करने नहीं दो, है ना, दौड़ने वाला जो काम होता है ना, जब देखना कि जब वो ना दौड़ भाग करेंगे तो वो और ज्यादा गुस्सा होंगे, समझे, क्योंकि दौड़ भाग करने से टेस्टोस्टेरोन और बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए ही जिम किया जाता है। तुम देखोगे जो जो लोग जिम जाते हैं ना, उनको बहुत गुस्सा आता है बात बात पे, जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करें, उनको बहुत गुस्सा आता है, कूल नहीं रहते वो बंदे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है उनका, समझ गए। सो कहाँ तक था, एग्रेसिवनेस होगा, लो पिच ऑफ वॉइस, लेडीज का हाई पिच होता है ना, हमारा हाई पिच होता है। एंड्रोजन प्लेज अ मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और क्या कराएगा ये, स्पर्मेटोजेनेसिस। तुम लोग ये चैप्टर भूल गए हो क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटोजो, अगर भूल गए हो तो चैनल में वीडियो बहुत अच्छा दिया हुआ, उस बहुत अच्छा उसमें पढ़ाया हुआ है ना कहानी के थ्रू, तो एक बार पढ़ लेना उसमें, इस ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस खासकर तो पढ़ ही लेना, बीच बीच में पढ़ लिया करो, छोटे छोटे टॉपिक है उनको पढ़ लिया करो, दिया हुआ है उसमें। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, एंड्रोजेन एक्ट्स ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, और किसमें करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर। मेल सेक्सुअल बिहेवियर को ही हम क्या कहते हैं, लिबिडो। लिबिडो को ज्यादातर साइकोलॉजी में यूज किया जाता है। दीज हार्मोन प्रोड्यूस एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। साथ में ये क्या देख रहा है बेटा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तुम सोचोगे कि अरे इसमें इसका क्या रोल है ना, इसका क्या रोल है, ये तो बेकार, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्लियर। मेटाबॉलिज्म क्या लिख रही है यार, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, प्रोटीन और इसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। आगे बढ़ जाएं फटाफट। फिर है ओवरी, ओवरी दो पेयर ऑफ ओवरीज होती है प्रेजेंट हमारे पास, फीमेल के पास, लोकेटेड इन द एब्डोमेन। ओवरी इज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है एंड प्रोड्यूस वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब पता है हमको। इन एडिशन ओवरी क्या क्या कर रही है, ओवरी भी ड्यूअल फंक्शन कर रही है, ओवरी एक तो एग निकाल रही है और ओवरी क्या कर रही है, हार्मोन निकाल रही है, कौन कौन से हार्मोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, दो हार्मोन निकाल रही है। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। ओवरी किस किस की बनी हुई है, ओवेरियन फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यूज होता है। द एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग
ओवेरियन फॉलिकल, पता है हमको कि ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स बनते हैं, इस तरह से फॉलिकल डेवलप होते हैं ना बेटा, है ना, तो वही वही क्या निकालते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं, तो इस्ट्रोजन निकालते हैं। इस्ट्रोजन निकाल के क्या बोलते हैं एफएसएच को, बंद हो जाओ तुम, है ना, इस्ट्रोजन को क्या बोलते हैं, एफएसएच को क्या बोलते हैं, अब तुम ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं, नेगेटिव फीडबैक किसको देते हैं, फीडबैक एफएसएच को देते हैं, एफएसएच को देते हैं कि भाई अब फॉलिकल को स्टिमुलेट मत करना, बन चुका है फॉलिकल, एक फॉलिकल तैयार है, आगे ओव्यूलेशन के लिए भी तैयार है, अब तुम नहीं निकालोगे, है ना, फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं करोगे, अब जो है किसको भेजो, एलएच को भेजो, एलएच क्या करेगा, रिलीज कराएगा, ओव्यूलेशन कराएगा, आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर फॉलिकल, ओव्यूलेशन हो गया, किसके द्वारा ओव्यूलेशन हुआ, एलएच के द्वारा, ये जो रप्चर फॉलिकल है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एग तो रिलीज हो जाती, इस फॉलिकल से एग रिलीज हो जाएगी, एग बच जाएगा क्या, ये फॉलिकल, ये फॉलिकल किसमें कन्वर्ट होगा, कॉर्पस ल्यूटियम में, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगी, प्रोगेस्ट्रॉन रिलीज करेगी, ठीक है, और ये कब तक प्रोगेस्ट्रॉन रिलीज करेगी, जब तक कि प्लासेंटा नहीं बन जाता, ठीक है, तब तक ये प्रोगेस्ट्रॉन रिलीज करती रहेगी। इस्ट्रोजेन प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन, देखो इस्ट्रोजेन का सिर्फ यही काम नहीं है, इस्ट्रोजेन क्या क्या काम करती है बेटा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो फीमेल के होते हैं वो कौन बनाती है, इस्ट्रोजेन बनाती है, ठीक है, और थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस का एंडोमेट्रियम, इसको भी कौन करवाती है, इस्ट्रोजेन ही कराती है, ठीक है, ये भी कराती है, इसका भी काम है, अभी देखो इसमें होगा, ठीक है, इस्ट्रोजेन प्रोवाइड्स द रेंजिंग ऑफ एक्शन, स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी ऑर्गन, डेवलपिंग ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, ये क्या करा रही है, ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल, कितना गंदा लिखा रहा है यार, ओवेरियन फॉलिकल के किसमें हेल्प कर रही है, डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट में, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, पिच वगैरह, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, अब मुझे जल्दी बताओ मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट में और किसका काम था, बताओ, हाँ मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, ये क्या करता है, देखो प्रोलैक्टिन ना मिल्क को फॉर्म कर रहा है और मेमोरी ग्लैंड को बना रहा है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, और ये मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में ये भी हेल्प करती है, लेकिन ये क्या करती है, जो मेमोरी ग्लैंड है ना उसमें फैट देने का काम करती है, ठीक है, उसके जो ब्रेस्ट साइज है उनको बड़ा करने में, ठीक है, एनलार्ज करने में हेल्प करती है, सो मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, ईस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, ये क्या करती है, सेक्सुअल बिहेवियर को भी देखती है, देख रहे हो छुपा हुआ कितना कुछ लिखा है इसमें, प्रोगेस्ट्रॉन सपोर्ट प्रेगनेंसी, हमको पता है कि प्रोगेस्ट्रॉन इज द प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रोगेस्ट्रॉन ऑल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड, देख लो आपको बताया था मैंने कि मेमोरी ग्लैंड में प्रोगेस्ट्रॉन का भी काम है, प्रोलैक्टिन वाले में, है ना, yes, ma'am. ठीक है, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड में भी इसका क्या काम है भाई, इसका क्या काम है, एल्वियोलाई डक्ट को बनाना, ठीक है, ये क्या करता है, जो डक्ट होते हैं ना मेमोरी ग्लैंड में, डक्ट, उन सबके फॉर्मेशन में ये हेल्प करती है, ठीक है, स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क एंड मिल्क सिक्रेशन, ये किसमें भी हेल्प कर रही है, साथ साथ मिल्क के सिक्रेशन में, तो ये चैप्टर जो है ना बेटा, छुपा छुपा के इतना कुछ लिखा हुआ है, जब मैंने ना इससे प्रोडिजी के क्वेश्चंस बनाए थे ना, तब जब मैंने इसको डिटेल में पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि देखो कि पीनियल ग्लैंड मेंस्ट्रुअल साइकिल देख रहा है, ठीक है, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ, एरिथ्रोपोएटिन के साथ साथ आपका टीसीटी भी देख रहा है ना, थायराइड भी देख रहा है, उसके साथ आपका जो है कॉर्टिसोल भी देख रहा है, साथ में मिल्क मेमोरी ग्लैंड के फॉर्मेशन कितने सारे हार्मोन देख रहा है, प्रोलैक्टिन, प्रोगेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजेन, ये तीनों जो है मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और मिल्क के इजेक्शन में, मतलब मिल्क जब बच्चा डिलीवर होगा और तुरंत जो मिल्क निकलेगा उसमें किसका मेन रोल होता है, उसमें ऑक्सीटोसिन। आई होप कि अब ये बहुत सारी चीजें तुम लोगों को याद हुई होंगी, तो जब ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा
तो आप लोग देख लेना, एक बार सुन लेना कान में लगा के। ओके मैम।